नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की। बदबूदार गंदे पानी से सेक्टर वासी हुए परेशान, समाधान नहीं होने पर दी भूख हड़ताल की चेतावनी। जमुआ रामगढ़ में जयपुर के सामाजिक कार्यकर्ता रविशंकर भाई ने बताया कि सेक्टर 4 विद्याधर नगर वार्ड 24 जयपुर ग्रेटर स्थित राधे गोविंद मंदिर एवं भगवान देव नारायण एवं भैरव बाबा मंदिर धार्मिक स्थलों के ठीक पीछे कई गत वर्षों से सीवरेज का गंदा एवं बदबूदार पानी तालाब के रूप में इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया एवं श्वास संबंधित इत्यादि फैलने की संभावना लगातार बनी हुई है। जयपुर नगर निगम के अधिकारियों को लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार सूचित करने के बावजूद भी यह बदबूदार पानी का भराव स्थायी रूप से नहीं रोका गया है। यह पानी द्रव्यवती नदी के पास राजस्थान पुलिस एकेडमी के पीछे बड़े तालाब के रूप में देखा जा सकता है। समाज सेवी कार्यकर्ता रविशंकर भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि आए दिन इन मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं और हर वर्ष की भांति भगवान देव नारायण जयंती महोत्सव को मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस गंदे पानी के भराव के कारण पूरे भारतवर्ष से आने वाले श्रद्धालुओं को गंदी बदबू का सामना करना पड़ेगा। भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन एवं जयपुर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा यदि एक सप्ताह में इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो चेतावनी दी है कि वार्ड 24 के निवासी आमरण अनशन भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार प्रशासन एवं जयपुर नगर निगम की होगी। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए वीएमआर भारत टीवी।